जो आप किस नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो इतने खास है ना कि प्यार से आपने उनके इतने सारे नाम रख दिए ना कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से नाम से इंट्रोड्यूस करूं उनको। हीरो कुमार कहे या एंग्री यंग मैन कहे या फिर उनके जो पेरेंट्स ने इतना प्यारा सा नाम रखा है अभिषेक कुमार वही कहें। खैर आपका जो मन करे आप वो नाम रख लीजिए, फिलहाल मैं तो अभिषेक कुमार ही कहूंगी। तो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं अभिषेक आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज की बधाई दूं। आपका सॉन्ग है इतना अच्छा चल रहा है ना, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आपको इतना सारा प्यार मिल रहा है उसकी बधाई दूं, एंडिंग हो सॉन्ग की गया बधाई दूं, एंडिंग हो बिकॉज गया एंडिंग है ना, बहुत 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 बधाई हो। मैंने बने कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सॉन्ग आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू। मनारा के साथ जब मैंने आपका वो वीडियो देखा ना, तो सबसे पहले ना मुझे आपका ना बिग बॉस हाउस के अंदर ना एक डायलॉग था वो याद आ गया, जब आपने ना बाहर बैठे थे काउच पर और आपने मनारा को बोला था तो मैंने बना ला अपना बॉयफ्रेंड। तो जी वो भी याद आया था कि तो जी वैसे ही बोल दिया था। आपका बिग बॉस से निकलते ही फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो आ चुका है ना, इसके बाद कौन कौन सी तैयारियां हैं आपकी शुरू, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स को लेके बातें चल रही हैं कि आप बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये भी सुनने में आया कि आपका ईशा के साथ भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, ये सच है? नहीं मैम, ऐसा अभी कुछ तो नहीं पता है। और ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आपको पक्का बताऊंगा, बट ऐसा एज सच कुछ नहीं। कुछ ईशा के साथ अभी कुछ नहीं आ रहा। अच्छा इसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके अभी आने वाले हैं? मैम अभी किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ही नहीं सकता हूँ, बट बहुत अच्छा बिल्कुल अच्छा कर रहा हूँ मैं, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो जैसे जैसे वो आते जाएंगे उस बारे में हम बात करते जाएंगे। अभी ऐसा बता नहीं सकता हूं मैं कि ये कर रहा हूं ऐसे। अच्छे एक्टर तो अभिषेक आप पहले भी थे, उड़ारिया में हमने आपको देखा हुआ है, लेकिन अब अभिषेक कुमार ना एक बड़ा नाम बन चुका है, तो कैसा फील हो रहा है फैमिली के साथ, मतलब फैमिली कैसा फील कर रही है? वैसे आपके पेरेंट्स को जब आप बिग बॉस घर के अंदर थे ना तब मैं मिल चुकी हूँ उनसे, तो तब भी वो बहुत प्राउड थे, तो अब कैसा रिएक्शन है उनका? जी, बहुत खुश हैं वो लोग, बहुत ज्यादा। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरी वजह से वो लोग बहुत खुश हैं। मैंने एक बार जब मैंने अपने पापा को बोला था ना कि मेरे को एक्टर बनना है, और मेरे पापा ने मुझे डांटा था, नहीं 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 और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक दिन ऐसा आएगा आपको ना मेरे नाम से पहचाना जाएगा। तो उन्होंने उन्होंने वो एक वीडियो बनाई थी दिवाली वाली, तो उसमें उन्होंने हाँ बोला था कि आज मुझे तेरे नाम से पहचाना जाता है। तो वो सुन के इतना प्राउड फील हो रहा था कि चलो भगवान ने इतनी अपनी कृपा बनाई कि मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया, और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जो प्राउड है वो मैंने उनकी आंखों में देखा हुआ है, नो डाउट ये बिल्कुल सच है। अच्छा मनारा के साथ आपने घर में इतना टाइम, और आपका एक ठीक था ना जो भी था बॉन्ड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छा था, लेकिन शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो बहुत बढ़िया था मैम, बहुत बढ़िया था। और मतलब जब हम रोमांटिक सीन करने वाले थे, हमने बोला यार ये क्या करने को बोल रहे हैं, बट जब कैमरा एक्शन बोलते हैं तो हम वो उस मूड में आ जाते हैं कि हाँ भाई हम एज एन एक्टर हमें वैसे परफॉर्म करना है। और कट होते हैं हम बोलते हैं चले बहुत हो गया तेरा रे तो बहुत क्योंकि अच्छे। आपका एक बॉन्ड भी मनारा के साथ वैसा ही था कुछ। जी, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी है। वो लड़ाइयां बहुत हुई हैं हमारी बिग बॉस हाउस में दही को लेके, बट बाहर हम उन सब चीजों पे नहीं लड़ रहे हैं हम अच्छा से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपने ना जब बिग बॉस हाउस से बाहर निकले थे तो आपने अंकित को लेके भी बोला था, आप अंकित को बहुत मानते हैं है ना, तो आपको बाहर भी अंकित प्रियंका ने बहुत सपोर्ट किया था, तो क्या ऐसा है कि हम आपको अंकित के साथ कहीं देखे, प्रियंका साइड में अंकित के साथ वो दो भाइयों वाला जो एक होता है वो दिखेगा कहीं उड़ारिया किसी के बाद, क्योंकि प्रोजेक्ट उड़ारिया भाई प्रोजेक्ट में? मैम वो तो अभी अगर कोई लेना चाहेगा उसी पे डिपेंड करता है, बट मैं उनसे मिला बिग बॉस के बाद भी मिला, फिर एक पार्टी में मेरे जो मैंने पार्टी थ्रो की थी वहां भी आए, फिर पार्टी के बाद में उनके घर पे मिल गया। तो अंकित भाई से तो मैं मिलता रहता हूँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो एक्टिंग हो, फिटनेस से रिलेटेड चीजें हो, तो मैं उनको बहुत मानता हूँ दिल से। अच्छा आपने आपने अभी अपनी फिटनेस की बात की ना, तो आपको जितना
हमने बिग बॉस में देखा, उससे पहले उडारिया में भी देखा, काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी दिखी है हमें। अब जो फिटनेस आपकी इतनी है, तो आपका क्या डेली रूटीन क्या चल रहा है? मैम अभी बिग बॉस तो में तो क्योंकि अलग था, बिग बॉस में तो अलग था, अब का अभी कोई फिटनेस नहीं रही है वैसी, बट मैं फिर से दोबारा से उसको रीगेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। और अभी तो मैं खा रहा हूँ अच्छे से दबा के, गुड हेल्दी फूड खा रहा हूँ, डाइट पे नहीं, बट मैं अच्छा खा रहा हूँ। आलू के पराठे खा रहा हूँ, बनाना शेक पी रहा हूँ। कल मैंने मैगी खाई थी, पता नहीं कितने सालों के बाद मैंने मैगी बनाई और खाई, नहीं तो मैं मैगी नहीं खाता था। तो जो जो मन कर रहा है मैं खा रहा हूँ धीरे धीरे, फिर बॉडी पे वर्क करूँ, एब्स पे। नहीं, बॉडी तो आपकी नो डाउट, वैसे आप बहुत अच्छी फिटनेस है आपकी। अच्छा अभिषेक, आप तो सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छे फैन रहे हैं, बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि अंकिता के साथ हमने बातें करते हुए सुना है, अंकिता ने बहुत बार बोला है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के फैन रहे। कौन सी ऐसी बात है सुशांत सिंह राजपूत की जो आप खुद पे ऐसा चाहते हैं कि मैं इसको खुद पे अमल में लाऊं? मैम बस मैं उनकी जर्नी से इंस्पायर था कि एक आउटसाइडर भी बॉलीवुड में अपना नाम कमा सकता है, और बिल्कुल उन्होंने किया। और मैं भी एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट था, वो भी बैकग्राउंड डांसर थे, फिर उन्होंने सीरियल किया, मैंने भी सीरियल किया, फिर उन्होंने मूवीज की तरफ अपना रुख वो किया, मैं भी अब उधर जाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो बस मैं ग्राउंडेड रह के अच्छा काम करना चाहता हूँ, और जो मेरे गोल्स हैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। तो मुझे मेरी जर्नी और उनकी जर्नी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वैसी लगती है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं इसलिए मानता था कि मम्मी को मैं हमेशा बोलता था, मम्मी यार ये भी तो पहुंच गए ना, मैं क्यों नहीं पहुंच सकता, मैं भी तो एक इंसान हूँ, इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बोलते थे कि हाँ, कर सकता है। तो इसलिए मैं उनको ऐसा मानता हूँ कि मेरे को करना है। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत की कोई मूवी अगर उसका सीक्वल बने तो आप कौन सी मूवी में काम करना चाहते? सीक्वल बने, सीक्वल MS धोनी आगे की जर्नी उनकी 2011 हाँ में खेली है, तो वो वाली जर्नी, काई पोचे, तो उनकी जो यस, भी मूवीज आई, जैसे लास्ट मूवी भी दिल बेचारा आई थी, तो हमारी पूरी फैमिली ने बैठ के देखी थी, तो सारी मूवीज उनकी अच्छी थी। बट MS धोनी का अगर 2011 के बाद का जो बनेगा तो मैं वो प्ले करना चाहूंगा, IPL वगैरह दिखाने वाला होगा। और मैं इमेजिन भी कर रही हूँ आप बहुत अच्छे लगोगे, नो डाउट। जी अच्छा, आप पंजाबी हो, पंजाबी आपको बहुत अच्छे से आती है ना अभिषेक, तो पंजाबी मूवीज में आप, पंजाबी मूवीज आजकल बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है पंजाबी इंडस्ट्री ना, तो अगर पंजाबी मूवीज में आपको ऑफर आए तो किस तरह का आप रोल करना चाहोगे पंजाबी में? मैं था एक लवर बॉय बनना चाहना कि आए मतलब एक कुड़ी से पागल है। देखना हाँ जी जाने ते असी देखना जाने यार। हाँ जी हाँ जी, मतलब मैं भी चाहना रोमांस करा, एक कुड़ी पीछे पागल रवा, ते हाँ, एंड च मिल जावे, यानी कि छड़ के चल जावे, मिल नहीं तो जाने नहीं। देखा फिर असि चाहने फटाफट नाल तुहाडे कोल इस तरह ना कोई प्रोजेक्ट आ जाए, ते फिर आप फिर इंटरव्यू करिए, फिर देखिए कि हाँ उदो ये गल हुई सीगी ते हुण हो चली हैगी है। नो डाउट अभिषेक काम बहुत अच्छे एक्टर हो, और उडारिया में आपको देखा था, उडारिया के सेट पर भी जितनी बार विजिट किया आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बिग बॉस में पर्सनली, मतलब मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं बिग बॉस बहुत साल से फॉलो कर रही हूँ ना, तो मैं चाहती थी कि टॉप टू में मैं मुनव्वर और अभिषेक को देखूं, तो जब आप दोनों पहुंचे थे तो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि आप डिजर्व करते थे वहां तक पहुंचना, आपकी जर्नी बहुत ज्यादा हार्ड रही थी, तो कुछ कुछ शब्दों में आप अपनी जर्नी के बारे में, बिग बॉस के बारे में कहना चाहोगे तो क्या कहोगे? बस मैंने अपना सारा कुछ दे दिया था बिग बॉस को, और मैंने कभी भी स्टेप बैक नहीं किया। मैं चाहता था कि सब अच्छे से रहे, अच्छे से हो, और मैंने बहुत कुछ सीखा है अंदर, कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने एंगर को भी कंट्रोल करना मैंने सीखा। मैं एक अच्छा वो तो बेहतर हमने इंसान, देखा जी नहीं। मैं एक बेहतर इंसान बन के वहां से निकला, जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट।
अच्छा, अभी आप लास्ट में आपके गाने भी आ जाते हैं। मैंने आपका जो गाना सुना ना, तब उसके 1.4 मिलियन व्यूज थे, तो अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है देखे हुए, तो अब तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे। तो कैसा लग रहा है इतना प्यार मिलके? पता लग रहा है ना कि मतलब बहुत प्यार कर रही है पब्लिक आपसे, सच्ची में। जब मैंने इनफैक्ट ऑफिस में बताया ना कि अभिषेक कुमार का इंटरव्यू है, तो सबसे पहली बात ये थी कि वो ऑफिस कब आएंगे, वो तो पंजाब से है, तो नेक्स्ट टाइम। जी मैम, नेक्स्ट टाइम मैं आया तो ऑफिस में पक्का आके जाऊंगा। हम फेस टू फेस इंटरव्यू जरूर करेंगे। और सच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है और मेहनत रंग लाई। मेहनत करने वालों की बोलते हैं ना, हार नहीं होती, तो वो चीज मैं देख पा रहा हूँ। और बस ऐसे ही प्यार बना रहे और मैं ऐसे ही हार्डवर्क करके ग्राउंडेड रह के आगे बढ़ूं और सब लोग मुझे ऐसे ही प्यार करें और मैं भी अपना इतना हार्डवर्क दिखाऊं, इतना काम पे फोकस करूं कि हर काम मेरा उनको पसंद है। तो इसलिए बस बहुत शुक्रगुजार हूँ, अच्छा, एक ग्रेटफुल। एक लास्ट क्वेश्चन अभिषेक, जब भी कोई पंजाब से बिग बॉस में गया है ना, बेशक वो शहनाज हो बेशक आप हो, तो उन्होंने बहुत ऊपर गए हैं, वो बहुत नाम कमाया है, बहुत प्यार कमाया है, नाम के साइड में प्यार बहुत कमाया है, जैसे शहनाज ने प्यार कमाया है, आपने वो प्यार कमाया है, तो इस पर जो ऑडियंस है उसको, हमको आप क्या कहना चाहोगे उस प्यार को लेकर, जो इतना प्यार, क्योंकि शहनाज साहब देखो 13 में थे, तो अब तक वो प्यार बरकरार है, तो हमें जी आपको देखते हुए, क्योंकि शहनाज बहुत ग्राउंडेड रहती है, तो आपको देख के भी ऐसा ही लगता है कि आप वैसे से ही हो, कि आप जी जुड़ के रहोगे तो वो प्यार ऐसा ही रहेगा। जी जो इंसान मैम नीचे से उठता है ना, धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो उसको हर चीजें पता होती हैं कि यार ये इंसान क्या फील कर रहा है, ये इंसान क्या फील कर रहा है, इस टाइम इसके मन में क्या चल रहा है। तो मैं सबको बहुत अच्छे से मिलता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सबको मिलूं और सबसे बात करूं, सब जो जो पिक्चर क्लिक करवाने आ रहा है, सबके साथ फोटो भी क्लिक करवाऊँ। पर बस यही है कि ग्राउंडेड रह के अच्छा काम करना है और अच्छा काम के साथ बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अब मेरे पे जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई हैं। अब मेरे को चाहे नींद कम हो पर आपको काम अच्छा करना और मेहनत से आगे बढ़ना है, तो बस मैं वही करना चाहता हूँ और ऐसे आगे बढ़ के अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ और अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम हम इन पर्सन मिलेंगे जब भी आप चंडीगढ़ आएंगे। थैंक यू सो मच। मैम, थैंक यू।